हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है धीरज एंड वेलकम टू माय चैनल। सो डाइट टिप सीरीज की इस वीडियो में आज का टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। ठीक है, डाइट टिप्स फॉर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये होता क्या है। देखिए, जब भी हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, प्रेशर से हमारी आर्टरीज में फेंकता है, वो ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है हमारी ऑल ओवर बॉडी में। ठीक है, और उस ब्लड के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, मिनरल्स, ऑक्सीजन, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें हमारी ऑल ओवर बॉडी में, हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचती है। ठीक है, अब ये चीज़ नॉर्मल है। अब जो एक स्वस्थ आदमी होता है, फिट आदमी जो होता है, उसका भी जो ब्लड प्रेशर है पूरे दिन भर में कई बार हाई और लो होता रहता है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब ब्लड प्रेशर दो नंबर में मेजर किया जाता है। पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर तब मेजर किया जाता है हमारी आर्टरीज में जब हमारा हार्ट, जब हमारा दिल धड़क रहा होता है। ठीक है, और दूसरा होता है डिस्टोलिक प्रेशर। ये प्रेशर तब मेजर किया जाता है हमारी आर्टरीज में जब हमारा दिल रेस्ट कर रहा होता है, मतलब दो धड़कनों के बीच में जब रेस्ट पीरियड होता है हमारे दिल का, तब वो नंबर मेजर किया जाता है। और इसीलिए जो रिपोर्ट आती है उसमें दो नंबर्स होते हैं, मतलब सिस्टोलिक नंबर इज 120 और डिस्टोलिक नंबर इज 80 120 ओवर 80। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये नॉर्मल नंबर होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये नंबर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और जब ये कंटिन्यू बढ़ रहा है तब टेंशन वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं हेडेक, सरदर्द आपको होता है, और उसके बाद कन्फ्यूजन। कई इंडिविजुअल को कन्फ्यूजन होता है, कई इंडिविजुअल को विजन की प्रॉब्लम होती है, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, और चेस्ट पेन, और फिर कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, और इररेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, अब देखिए, ये जो हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये कोई डिजीज नहीं है। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है बॉडी की। अब हमारी बॉडी इस कंडीशन में क्यों पहुंचती है और क्यों रहती है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो सबसे पहला रीजन होता है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आप ऐसी कोई लाइफस्टाइल जी रहे हो जिसमें एक्सरसाइज या वर्कआउट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, ये एक्सरसाइज क्या होता है ये आपको पता नहीं है। दूसरी चीज़ कि अनहेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो। डाइट फॉलो करने का क्या मतलब है कि आपको जो मिल रहा है वो खा रहे हो। ठीक है, आपको जो इच्छा हो रही है वो खा रहे हो, आप पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हो, आप स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए खा रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से भी बहुत सारी जो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, आप वो भी खा रहे हो। आने दो, सब आने दो। ठीक है, हमको सिर्फ टेस्ट से मतलब है, हेल्थ से मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद ओबेसिटी। अगर मोटापा आपके शरीर पे चढ़ा हुआ है, ओबीस कैटेगरी में आप आते हो, तो आपको ये जो कंडीशन है वो हो सकती है। उसके बाद स्ट्रेस, आप कोई ऐसा काम करते हो कि उसमें चिंता ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसके बाद डायबिटीज़। ठीक है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये आपको जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, ये गिफ्ट में मिलेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी बॉडी इस कंडीशन में पहुँचती है या रहती है। अब आते हैं डाइट के ऊपर कि हम ऐसी क्या चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें जो हमें बेनिफिट करें। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी पड़ेगी जो पोटेशियम रिच हो, क्योंकि पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और वो सारी चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी हरे पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं वो आप कंज्यूम करो। पत्ता गोभी है, आपका पालक है, गाजर है, ठीक है, मूली है, इस तरह की चीज़ें आप इनका सब्जी बना के भी खा सकते हो और वेजिटेबल सलाद भी खा सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, एक बड़ा कटोरा आप वेजिटेबल सलाद ज़रूर खाएं, और वो भी जब भी आप खाना खा रहे हो, रात का खाना खा रहे हो, उससे आधा घंटा पहले। जिससे क्या होगा कि आपको पोटेशियम तो मिलेगा और साथ ही साथ फाइबर भी मिलेगा जो आपको फुल फील कराएगा, आपकी भूख काफ़ी हद तक कम कर देगा। और अगर आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हो, मोटे लोगों की कैटेगरी में आते हो, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपका पेट जो है वो काफ़ी भरा हुआ महसूस करेगा और आप जितना भी खाना खाओगे उससे कम खाना कंज्यूम करोगे, जिससे कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर कम आएगी, जिससे आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आते हैं फ्रूट। अपनी डाइट के अंदर फ्रूट ज़रूर ऐड करिए, फ्रूट जूस या फिर वैसे ही कम से कम दो या तीन फ्रूट आप ज़रूर लो। इवनिंग स्नैक में आप ले सकते हो, ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हो फ्रूट्स। और फ्रूट्स में आपको लेना है मैंगो, बनाना,
ऑरेंज, ये सारी चीज़ें हैं जो आप पोटेशियम रिच हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी को पूरा करेंगी। उसके बाद जो चीज़ें अवॉइड करनी है आपके, आपकी डाइट में से हटानी है, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, पापड़ और अचार, इन चीज़ों से तो बिल्कुल दूरी बना लीजिए, ठीक है, इनको अपनी डाइट में से हटा दीजिए। उसके बाद जो सोडियम है, नमक है, उसको कम से कम यूज़ करिए। जितना नमक आप कम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट मतलब दही, बटर, ये अवॉइड करिए, इनमें भी नमक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, चाउमीन, ये जो जंक फूड है, इसको तो बिल्कुल मना कर दीजिए, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ सोडियम, ठीक है, सोडियम इनमें भर भर के रहता है। दूसरी चीज़ कि इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, और जो ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट है, ये बहुत सारा होता है इसके अंदर। तो ये तीनों चीज़ें आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर आप ओबेसिटी भी आपके साथ है, और डायबिटीज़ भी आपके साथ है, और ब्लड प्रेशर भी, हाइपरटेंशन भी आपके साथ है, तो ये सारी चीज़ें तो मतलब इन बीमारियों की स्पीड को डबल कर देगी। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हटाइए, और जो अभी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप ऐड करिए। और अगर आपको प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए, प्रॉपर डाइट चार्ट चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्दी आपको अपना नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, और किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम हो, आपको डाइट चार्ट चाहिए, वर्कआउट चार्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपकी जो डिटेल्स है वो लेने के बाद मैं प्रॉपर आपका डाइट चार्ट, डाइट प्लान बना के दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो नए भाई लोग हैं, जो इस चैनल पर नया है, वो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और कोई सवाल हो आपके मन में तो नीचे नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो खाली पड़ा हुआ है, उसको भर दो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।